विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। नीतीश कुमार के सुशासन वाले सरकार पर विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। बुधवार को राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई नेताओं ने मुकेश सहनी के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। जीतन सहनी की सोमवार देर रात हत्या हो गई। मुलाकात के दौरान तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से शासन व्यवस्था फिसल रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ये लोग पहले हम पर जंगल राज का आरोप लगाते थे, अब क्यों नहीं कुछ बोलते। मुकेश सहनी के पिता की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। शासन प्रशासन में भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इकबाल खत्म हो चुका है। हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दे। उदय नारायण चौधरी से पहले भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को अपनी सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव मंगलवार के अहले सुबह दरबारों को मिला, जिसके बाद इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बाकी कार्रवाई शुरू करते हुए मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिल भी जब्त किए। दूसरी तरफ जिस तालाब में जीतन सहनी का संदूक मिला था, उस तालाब के पानी को बाहर निकालकर उसकी भी तलाशी ली जा रही है, ताकि हत्या में शामिल हथियार को बरामद किया जा सके। इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से शासन व्यवस्था फिसल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है और जो घटना दो दिन पहले घटी मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ, उसके पहले अगर हम इस महीने का आंकड़ा निकालें तो आप सब लोग जानते हैं बराती में हो जा रही है हत्या, जो गया साला बहनोई की हत्या हो रही है, जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी हो रही है, कहीं जमीन को लेके हो रही है, जो घटना मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ हुई, इतनी नृशंस हत्या है जिसकी आदमी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, उसके बारे में बता नहीं सकता, देख नहीं सकता, इतना दर्दनाक घटना है। तो हम यही कह सकते हैं इसके बारे में कि अपराधियों के ऊपर सरकार का कोई लगाम नहीं है। अपराधियों का मन बढ़ गया है। अपराधी समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शासन प्रशासन से कोई भय नाम की चीज खत्म हो गई है। राज्य सरकार का औरा खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है, ये स्थिति है। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दें, यही हमारा उनसे आग्रह। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।